हेलो गाइस, सत श्री अकाल सारानू। सब अच्छे ही होंगे, ठीक ही होंगे। आज मैं आपको आपके पास लेके आई हूँ डेली रूटीन केयर, अपनी फेस की। हमें अपनी केयर कैसे करनी चाहिए, घर के ही सामान से। ना मैं कहीं बाहर का कोई सामान नहीं लूँगी, सिर्फ ओनली घर का ही सामान लूँगी। जैसे कि बेसिक हमारा हो गया मुल्तानी मिट्टी, रोज़ वाटर, चंदन पाउडर और पील पाउडर और चावल का आटा, ये हमें सब लेना है। एंड इसी से मैं अपने फेस को क्लीन करके दिखाऊंगी। एंड इससे हमारा स्क्रब भी हो जाएगा, राई से स्क्रब भी कर सकते हैं आप अपने फेस पे। एंड मुल्तानी मिट्टी हमारे फेस के लिए काफ़ी अच्छी होती है। तो लेट्स डू स्टार्ट, मैं आपको स्टार्ट करके दिखाती हूँ। तो लेट्स डू स्टार्ट। मैं एक खाली बाउल ले रही हूँ, ली खाली बाउल। इसमें मैंने डाला अपना मुल्तानी मिट्टी। एंड मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी, आपको आपके सामने ही सब कुछ डालूंगी। 1 टेबलस्पून मैंने ली मुल्तानी मिट्टी। ओके गाइस, सी माय मुल्तानी मिट्टी, ये मैंने ली 1 स्पून मुल्तानी मिट्टी। ये देखिए, मैंने बस इतनी सी ली है, थोड़ी सी ये मैंने ली। एंड इसमें मैंने थोड़ी सी डाली टर्मेरिक हल्दी पाउडर से, बहुत थोड़ा सा लेना है एक, ठीक है। एंड इसको मिक्स कर लिया अच्छे से। हल्दी हमारे फेस के लिए काफ़ी अच्छी होती है एंड बहुत अच्छा निखार लाती है हमारे फेस पे। इसको मिक्स कर लिया। फिर हमें लेना है थोड़ा सा पील पाउडर, मतलब आप मार्केट में मिल जाता है, बट आप ऐसा करें, अगर आप नहीं हो तो संतरे होते हैं उनको सुखा के, संतरों को सुखा के और उसको पीस के आप कर सकते हैं। ये देखिए, थोड़ा सा लिया मैंने, डाल दिया, ठीक है। एंड फिर आपको लेना है चंदन पाउडर, वो भी मैंने बहुत थोड़ा सा लिया, क्योंकि चंदन हमारे फेस के लिए ठंडा होता है और गर्मियाँ आ गई हैं तो हमारे लिए चंदन बहुत बेस्ट है। तो सी मैंने थोड़ा सा चंदन पाउडर लिया है, ये देखिए आप। एंड ये हाँ थोड़ा कॉस्टली आता है, बट ये हमारे फेस के लिए काफ़ी अच्छा होता है। एंड इसको मिक्स कर लें अच्छे से, मिक्स मिक्स मिक्स। मिक्स करने के बाद ये देखिए, सी मैम पिंपल। एंड उसके बाद हमें थोड़ा सा राइज लेना है, राइस पाउडर अगर आप लेना चाहें तो। सी मैंने डाल लिया हूँ राइस, दिखा आपको थोड़ा सा। हम इसको मिक्स कर लिए हैं अच्छे से। एंड आपके पास रोज़ वाटर हो तो रोज़ वाटर, थोड़ा सा एरोविला जेल लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, बट मैं अभी नहीं ले रही। एंड आपने रोज़ वाटर थोड़ा सा मिला लिया, थोड़ा सा रोज़ वाटर लिया हमने। सी मैं रोज़ वाटर डाल रही हूँ, ठीक है। मैं प्योर रोज़ वाटर यूज़ करती हूँ एक्चुअली। एक मेरी फ्रेंड है, उसके फादर का काम है रोज़ का, तो उनके घर रोज़ वाटर बनता है, प्योर रोज़ वाटर। तो मैं वही उसी से लेती हूँ और वही मैं डाल रही हूँ। मैंने एक कंटेनर में डाल के रखा हुआ है, कंटेनर में। एंड उसमें मैं मिक्स कर रही हूँ। देखिए, ये ब्रश है, ये मेरा ये ब्रश टूट गया है, बट मैं ऐसे मिक्स कर रही हूँ। सी मैं आपको मिक्स करके अच्छे से दिखाती हूँ। बहुत अच्छे से मिक्स करना है हमें, अच्छे से मिक्स करके। ये भी नहीं कि ज़्यादा गाढ़ा हो और ज़्यादा पतला हो, बस मिक्स अच्छे से वो हो कि आपके फेस पर अच्छे से लग जाए, ठीक है। ये हमने लगा लिया मिक्स करके, मैं आपको दिखा देती हूँ। एंड ये फटाफट लगा लूँ मैं। अगर आपके पास हेयर बैंड हो तो आप हेयर बैंड पहन सकते हैं, मैंने पहना नहीं है, पर पहन सकते हैं आपके हेयर्स में ना लगे तो।
होममेड केयर तो हमें अपने डेली रूटीन में करनी ही चाहिए, क्योंकि ये हम नहीं करेंगे तो हमारे फेस पे ग्लो ऐसे ही नहीं आएगा। डेली रूटीन करना ही चाहिए, अपना क्लीन रखना ही कर चाहिए फेस को। हम अपने फेस को क्लीन नहीं रखेंगे तो हमारा फेस शाइन नहीं करेगा, ग्लोइंग नहीं करेगा। और होममेड रूटीन तो बहुत ही अच्छा है। बाहर से आप ये सब चीज़ें लेंगे, इससे अच्छा अपने घर में आके घर राइस भी होंगे उसको पीस लीजिए, एंड मुल्तानी मिट्टी ले आई है एंड उसको भी पीस लीजिए। पाउडर पैकेट्स आप खरीदना चाहे तो पैकेट्स भी खरीद सकते हैं, क्योंकि मैं मुल्तानी मिट्टी पीसती ही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लग, प्योर नहीं लगती मुझे पैकेट्स वाली। एंड अपनी गर्दन पे भी लगा लीजिए जैसे। अब मैं इसको सुखा लेती हूँ, अभी मिलते हैं।